हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2024 को 90 से अधिक बार भूकंप दर्ज किए हैं या दर्ज किए हैं? जापान ने। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा जापानी येन तथा प्रधानमंत्री जो है वह है फुमियो किशिदा। किस देश ने रहस्यमयी कहा जाने वाला स्पेसक्राफ्ट X-67B लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है USA ने। नासा की स्थापना 1958, मुख्यालय वाशिंगटन DC तथा अध्यक्ष जो है वहाँ है बिल नेल्सन। रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है मैग्नस कार्लसन ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला में किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है? तो यह जीता है अनास्तासिया बोडनारूक। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है बॉम्बे जयश्री को। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो यह 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने के लिए किस देश ने गहरे समुद्र में खनन पोत मेंग जियांग भेजा है? तो भेजा है चाइना ने। चाइना की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी। राष्ट्रपति सी जिनपिंग भारत के साथ अभ्यास जो है वह है हैंड इन हैंड तथा सबसे लंबी रिवर यांगसी। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चाइना में लॉन्च किया गया है। सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला चाइना में बनाई गई। जूके रॉकेट जो कि मीथेन से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट है। हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया है DRDO ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो किया गया है वृंदावन में। हाल ही में किस देश के डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह की है ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश की। दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश में रहने वाले गैंगस्टर लखवीर सिंह लाडा को आतंकी घोषित किया है? तो यह किया है कनाडा में रहने वाले।